हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ फायर में। तो आज हम लोग करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड वीडियो लेक्चर है। दो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आना है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और हम लोग सिर्फ करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हम लोग का टॉपिक जो है आज का है जनरल एंड मिडिल टर्म। जो हमने फॉर्मूले पढ़े एक्स ए प्लस बी के पावर एन, ए माइनस बी के पावर एन, आज उनमें हम पढ़ेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म सबको क्लियर हो गया होगा, जनरल टर्म मैंने पहले ही बता दिया था, जनरल टर्म मैंने पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो मैंने पहले ये फार्मूला बताया था कि a प्लस बी के पावर n क्या होता है, समेशन r इक्वल टू जीरो टू n एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर, और बी के पावर क्या होता है, आर होता है। ये आपको फॉर्मूला पता था। और इसके लिए अगर आर प्लस एनवे टर्म का जो फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर, और बी के पावर क्या होता है, आर। ये दोनों एक ही फॉर्मूले है ना, ये है एन टर्म का एक्सपेंशन बता रहा है, ये बता रहा है जनरल टर्म। यानी आर इक्वल टू जीरो रखेंगे तब फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, आर इक्वल टू टू रखेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, आर इक्वल टू थ्री रखेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगा, आर इक्वल टू फोर रखेंगे तो फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, इस तरीके से। और आपको एक और फॉर्मूला बताया गया था कि ए माइनस बी के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन के पावर आर एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर, बी के पावर क्या होता है, आर होता है। और इसके लिए जो आर प्लस वन वे टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस वन के पावर आर एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर, और क्या होता है, बी के पावर आर। ये मेन आपको फॉर्मूले बताए गए थे, क्लियर। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले में मिडिल टर्म क्या होगा ना, इस फॉर्मूले में मिडिल टर्म क्या होगा। अब मिडिल टर्म जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू पे। अगर एन हमारा इवन है, एन क्या है, इवन, और एक डिपेंड करता है एन क्या है, ऑड। एन क्या है, ऑड है, समझ में आया। एन हमारा इवन हो और एन हमारा क्या हो, ऑड हो। जब n हमारा इसमें देखा जाए, n हमारा क्या होगा, इवन। इवन मतलब 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये हमारे इवन हैं। और जब n हमारा, आप लोग देखेंगे कि जब a प्लस बी के पावर हमारा मान लीजिए 4 होगा, a प्लस बी के पावर क्या है, 4, यानी n जो है हमारा क्या है, इवन। तो इस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, 5। चलिए, इस एक्सपेंशन में ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 टर्म। इसको स्पेंड करेंगे तो इस तरीके से टर्म बन के आएगा। यानी a प्लस बी के पावर 4 को जब करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 5 टर्म आएंगे। तो मिडिल टर्म हमारा कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा थर्ड। देखिए, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, तो मिडिल वाला कौन सा टर्म हो जाएगा, थर्ड। यानी अगर n इवन है तो मिडिल टर्म, अगर n की वैल्यू 4 है तो मिडिल टर्म कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, अगर जनरल फॉर्म में देखे तो मिडिल टर्म। अब देखिए 4 को कैसे, ये 4 है और ये 3 आ गया, तो 4 को लिख सकते हैं n by 2 plus 1। ये क्या हो जाएगा, n by 2 plus 1। तो मिडिल टर्म कितना आ जाएगा, n by 2 plus 1। यानी n हमारा अगर इवन है, एक्सपेंशन में अगर n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, n by 2 plus 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। आपको समझ में आया, हमने इवन लिया, इवन में एक हमने 4 लिया, और आपको ये तो पता है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो उस पूरे एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, 5। और जब 5 टर्म को मैंने लिख लिया तो बीच में कौन आएगा, आप देखिए, दो इधर से हट गए, दो इधर से, तो बीच में कौन आ गया, 3 आ गया। तो 3 को अगर 3 लाना है तो n by 2 plus 1 के फॉर्म में कर देंगे, n की जगह पे 4, 4 upon 2, 2 plus 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो अगर आपको यही याद रखना है कि अगर n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n by 2 plus 1 होगा। जैसे हम ये बोल दें कि x minus y के पावर क्या है, 10 है,
एक्स माइनस वाई के पावर क्या है 10 है, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, पांचवा होगा, छठवा होगा, कौन सा टर्म मिडिल होगा? तो आपको क्या करना, सिर्फ इसी में रखना है 10 अपॉन में 2 प्लस 1 और ये आ जाएगा 6th, यानी जो 6th टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अगर मिडिल टर्म आपको निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, इस एक्सपेंशन का 6th टर्म क्या करोगे, निकालोगे, जो छठा टर्म है आप लोग उसको निकालोगे। और आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, टी आर प्लस वन, अगर हमको 6th टर्म निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 5। 7th टर्म निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 6। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ये क्या था, जब एन हमारा इवन हो तो मिडिल टर्म क्या होगा, एन बाई टू और प्लस वन हो जाएगा। क्लियर? इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एन अगर हमारा ऑड हो, एन क्या हो, ऑड हो, तो ऑड नंबर कुछ भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो अगर चलिए ए प्लस बी के पावर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। तो अगर 5 लेंगे तो पूरे हमारे एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे। तो चलिए पहले को लिख लेते हैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर और प्लस क्या हो जाएगा, टी फाइव और प्लस कितना हो जाएगा, टी सिक्स। तो इस पूरे एक्सपेंशन में हमारे 6 टर्म हो गए। अब मिडिल टर्म क्या होगा आप बताइए। सर 4 टर्म मिडिल होगा। कैसे मिडिल होगा भाई, एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, तो मिडिल तो है नहीं। सर 3 हमारा मिडिल होगा, एक तरफ 2 बनेगा एक तरफ 3 बन जाएगा, तो मिडिल टर्म इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों को मिडिल मानते हैं। अगर मिडिल टर्म निकालना होगा तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाएंगे। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म जो होता है, अब देखिए मिडिल टर्म यहां पे n कितना था, 5। तो 5 को कैसे कर सकते, 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, यही करेंगे ना। तो यहां पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2। एक मिडिल टर्म ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो कितना आएगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, तो n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो अगर n हमारा क्या हो, ऑड होगा, तो मिडिल टर्म n प्लस 1 अपॉन में 2 एंड n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस क्या होगा, 1 होगा। और इसी को अगर और सॉल्व कर लिया जाए तो n प्लस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n प्लस 3 अपॉन में 2। तो ऑड इवन के लिए आपको मिडिल टर्म समझाया गया। अब हम लोग क्वेश्चन में करेंगे कि मिडिल टर्म निकालिए, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालिए, समझे? तो इसी तरीके से आपको समझना है कि अगर इवन है तो मिडिल टर्म n बाई 2 प्लस 1 होता है, अगर ऑड है तो ऑड में 2 मिडिल टर्म होते हैं, n प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 बोलें, या फिर n प्लस 3 अपॉन में क्या बोल दें हम लोग, 2 बोल दें। तो ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। जनरल टर्म आपको पता ही है, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग करते हैं, इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन लेके समझते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो लर्न हो गया होगा, सबने राइट कर लिया होगा मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिडिल टर्म जो होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले को राइट कर देता हूँ अभी के लिए, a माइनस बी के पावर n, यानी जब हमारा n क्या होगा, इवन, तो मिडिल टर्म क्या होता है, n अपॉन में 2 प्लस 1, यही होता है n अपॉन 2 प्लस 1। देखिए जब वो इवन था तो 4 टर्म लिए थे हम लोग, और 4 में 3 मिडिल था हमारा, तो n बाई 2 2 प्लस 1 किए थे, तो ये हमारा क्या था, मिडिल टर्म था। और जब n हमारा क्या होगा, ऑड होगा, तो जो मिडिल टर्म होता है, दो मिडिल टर्म होते हैं, एक होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 एंड, और दूसरा होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस क्या होता है, 1। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, मिडिल टर्म होते हैं। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बोला है फाइंड द फोर्थ टर्म, तो अच्छा चलिए इसको लेते हैं मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन को। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3 माइनस, क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6, एक्स क्यूब अपॉन में 6 और के पावर कितना है, 7 है।
इस एक्सपेंशन में हमको क्या बताना है, मिडिल टर्म बताना है, क्लियर। तो यहां पे पहले एन को देखते हैं, एन इक्वल टू सेवन है, इज इवन की ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो देयर आर टू मिडिल टर्म, देयर आर टू मिडिल टर्म, या फिर देयर, चलिए इतना लिखते हैं, एन इक्वल टू सेवन इज ए ऑड नंबर। तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आर, कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा, तो अगर ऑड है तो ऑड के लिए एन प्लस वन अपॉन में टू, एन प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, तो एन कितना है सेवन, प्लस वन अपॉन में टू, एंड कितना हो जाएगा सेवन प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन। तो ये जो हमारा आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सेवन प्लस वन एट, एट अपॉन में टू फोर्थ, फोर्थ, एंड क्या हो जाएगा फोर प्लस वन क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म, यानी जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म है वही हमारे क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। तो आपको फोर्थ टर्म निकालना होगा और क्या निकालना होगा, फिफ्थ टर्म निकालना होगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है एक्सपेंशन वो किसका एक्सपेंशन है, ए प्लस बी के पावर एन का, ए माइनस बी के पावर एन का, आपको डिसाइड करना है, ए माइनस बी के पावर एन का है तो इसका जो जनरल टर्म होता है ये होता है, ए माइनस बी के पावर एन का जनरल टर्म ये होता है। तो जनरल टर्म को राइट कर लेते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन के पावर आर एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर, और बी के पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या पुट करना होगा, r इक्वल टू थ्री, मैंने पहले बताया अगर फोर्थ निकालना है तो r इक्वल टू थ्री, फिफ्थ निकालना है तो r इक्वल टू फोर। तो पुट करते हैं r इक्वल टू थ्री, और जब r इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो t थ्री प्लस वन इक्वल टू माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, n कितना है सेवन है, सेवन c थ्री हो जाएगा, a, a कितना है आपका थ्री है, तो थ्री के पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर, तो सेवन माइनस थ्री, और बी कितना है, बी है आपका एक्स क्यूब अपॉन में सिक्स, और के पावर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल लोगे, फोर्थ टर्म निकाल लोगे। ये कौन सा टर्म है, आर इक्वल टू थ्री पुट किया लेकिन है तो फोर्थ टर्म, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म, देखिए टी थ्री प्लस वन फोर ही आएगा तो कितना आ जाएगा फोर्थ टर्म है, और फोर टर्म कितना आ जाएगा माइनस वन का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन ही आएगा, माइनस माइनस लग जाएगा। सेवन सी थ्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए सेवन, और इसको आप लोग समझ लीजिए, अगर सेवन सी थ्री है तो सेवन को इस तरीके से सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव थ्री बार लिखना है, थ्री तक जाना है, और थ्री को थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स कट जाएगा, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, ये आ जाएगा थर्टी फाइव इंटू, अब बताइए थ्री के पावर सेवन में से थ्री जाएगा तो फोर आएगा, और थ्री के पावर फोर, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा एट्टी वन, तो ये हो जाएगा एट्टी वन, और एक्स क्यूब के पावर कितना है थ्री, तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा नाइन, तो ये इंटू हो जाएगा एक्स के पावर नाइन, और अपॉन में सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स कर सकते हैं, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब कट भी कर लेते हैं, थ्री टू जा, और ये थ्री कितना बार जाएगा ट्वेंटी सेवन टाइम, फिर थ्री टू जा, फिर ये कितना बार जाएगा नाइन टाइम, थ्री टू जा, ये कितना बार जाएगा थ्री टाइम जाएगा, तो थर्टी फाइव थ्री जा, थर्टी फाइव थ्री जा कितना हो जाएगा वन हंड्रेड फाइव, ये हो जाएगा माइनस में वन हंड्रेड फाइव, और ये एक्स के पावर नाइन, और टोटल अपॉन में टू टू जा फोर टू जा क्या हो जाएगा एट, तो ये आपका आ गया फोर्थ टर्म, क्या है ये, क्या आ गया फोर्थ टर्म। और इसके बाद हमको क्या निकालना है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म के लिए हमको क्या पुट करना होगा, पुट आर इक्वल टू फोर पुट करना होगा, इस जनरल फॉर्म में आर इक्वल टू फोर पुट करना होगा, आपको क्या मिल जाएगा फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म आप निकाल लोगे तो आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा अलग से नहीं लिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, दिया है x अपॉन 3 प्लस 9 वाई के पावर कितना है 10 है। x अपॉन 3 प्लस 9 वाई के पावर कितना है 10। इसमें हमको बताना है मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म बताना है, मिडिल टर्म क्या होगा। तो अब देखिए स्पेंड करने तो बैठेंगे नहीं कि स्पेंड करके तब डिसाइड करें, तो डायरेक्ट जैसे अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया वैसे करना है। पहले देखना है एन कितना है, एन इक्वल टू कितना है 10 है, और 10 कैसा नंबर है इवन है। 10 कैसा नंबर इवन, तो इवन के लिए जो मिडिल टर्म होता है वो होता है एन अपॉन में 2 प्लस 1, एन अपॉन में 2 प्लस 1। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इक्वल टू एन अपॉन में 2 प्लस 1 टी एच टर्म, क्या हो जाएगा टी एच टर्म, यानी ये जो टर्म होगा यही हमारा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म निकालते हैं तो एन अप 10 अपॉन में 2 प्लस 1, और ये 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6th टर्म, यानी जो हमारे इस एक्सपेंशन का जो 6वां टर्म होगा, जो 6th टर्म होगा वही हमारा क्या होगा मिडिल टर्म। तो डायरेक्ट जनरल फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस एक्सपेंशन का जो 6th टर्म है वो क्या होगा। समझ में आया, तो देखिए a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी का जनरल फॉर्म ये होता है। तो लिखेंगे कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर क्या होता है r। अब देखिए हमको 6th टर्म निकालना है, तो r इक्वल टू क्या पुट करना होगा 5, तो पुट करना है r इक्वल टू 5, पुट करो r इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो t 5 प्लस 1 इक्वल टू n कितना है 10 है, n कितना है 10c5 हो जाएगा। a कितना है x अपॉन में 3 के पावर कितना होता है n माइनस r, n है 10 r है 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, और b कहाँ पे है, b ये है 9y, और 9y के पावर कितना होता है r यानी कि 5, यही हो जाएगा। अब 10c5 को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10c5, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और अपॉन में 10 में से 5 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से जो मैंने पहले बताया कि अगर 10c5 है तो 10 को क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 तक लिखना है, मतलब 5 टर्म लिखना है। तो ये हो जाएगा एक टर्म 10, 9, 8, 7, 6, 5 टर्म हो गए, 5 हो गए हमारे पास। अब 5 को क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 5 को क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस तरीके से 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 × 2 = 6 कैंसिल, ठीक, और 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 9 × 7 = 63, और 63 × 4 = कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 कैरी 1, 6 × 4 = 24, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना आ गया 252, तो यहाँ पे 10c5 को लिखेंगे 252 हो जाएगा, और x अपॉन 3 के पावर कितना हो जाएगा 5, x अपॉन 3 के पावर हो जाएगा 5, और इंटू क्या हो जाएगा 9y के पावर 5 है, तो इसको 9 के पावर 5 और क्या कर सकते हैं y के पावर 5 कर सकते हैं, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है 252, और इसको लिख सकते हैं x क्यूब, ये x के पावर 5 हो जाएगा, अपॉन में 3 कितनी बार है 5 टाइम, 3 × 3 = 9 इंटू 3 कर लेते हैं, देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कर लेते हैं इस तरीके से, और 9 के पावर 5 को लिख सकते हैं 9 × 9 × 9 × 9 × 9, और y के पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये दोनों मिलके 1 9, ये दोनों मिलके 1 9, और ये 3 × 3 = कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 × 9 = 81,
81 थ्रीजा कितना हो जाएगा, 8 थ्रीजा 24, 243 हो जाएगा। तो ये 252 इंटू 243, हाँ, और ये x के पावर 5 और ये y के पावर क्या हो जाएगा 5। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में चेक भी कर सकते हो, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 0.2 का, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, मैंने बता दिया कि मिडिल टर्म पे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। मिडिल टर्म में पहले क्या देखना है, एन देखना है। एन क्या है, ऑड इवन। अगर एन हमारा जो है इवन है तो एन अपॉन टू प्लस वन टीएच टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अगर एन हमारा ऑड है तो एन प्लस वन अपॉन में टू टीएच टर्म एंड एन प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन टीएच टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म निकाल लेंगे। अब जनरल फार्मूले पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग जनरल फार्मूले पे। जैसे दिया रहेगा एपी, वो एक्सपेंशन दिया रहेगा, बोलेगा उसमें फिफ्थ टर्म निकालिए, सिक्स टर्म निकालिए, तो सिंपल है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए हो तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स माइनस टू वाई के पावर 12। फोर्थ टर्म निकालना है और किस एक्सपेंशन में निकालना है, एक्स माइनस टू वाई के पावर 12। एक्स माइनस टू वाई के पावर 12 में क्या निकालना है हमको, फोर्थ टर्म निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा, आप लोग कर भी लोगे, फिर भी एक बता दे रहे हैं। ये जो x माइनस टू वाई है ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी के पावर n के फॉर्म में है। और a माइनस बी के पावर n का जो फॉर्म होता है उसका जनरल टर्म ये हो जाएगा, r प्लस वन वे टर्म के लिए फॉर्मूला, तो टी आर प्लस वन और माइनस वन के पावर आर एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर, बी के पावर क्या हो जाएगा आर। तो मैंने बताया कि अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो आर इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए, थ्री। तो पुट करेंगे आर इक्वल टू थ्री, आर इक्वल टू थ्री, तो टी थ्री प्लस वन इक्वल टू माइनस वन के पावर आर है, आर कितना होगा थ्री पुट किया जा रहा है। एन कितना है यहाँ पे देखो, एन कितना है 12 सी, आर की जगह पे 3 हो जाएगा। ए कितना है, ए एक्स है, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एन है 12 आर है 3, और बी कितना है 2y के पावर आर कितना है 3 है। तो ये हो गया, इसी को सॉल्व कर लेना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो करके दिखाया जाए तो माइनस वन के पावर 3 माइनस आ जाएगा। 12C3 का मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 डिक्रीजिंग ऑर्डर में और 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 2 6 ये कट जाएगा तो 2 टाइम, और 22 ये आ जाएगा 220। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, 11 2 22, 22 10 220, तो माइनस में 220 हो गया। अब x के पावर 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे x के पावर 9, 2y के पावर 3, तो 2 के पावर भी 3, 2 2 4 2 8 इंटू 8 और y के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 0 0, 8 2 16 कैरी 1, 8 2 16 1 17 माइनस 1 7 6 0, x के पावर 9 और y के पावर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा जो है वो कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। समझ में आया, इस तरीके से हमने फोर्थ टर्म निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ, और ये क्वेश्चन है फाइंड द 13 टर्म। क्या बोला, फाइंड द 13 टर्म, 13th टर्म निकालना है, 13th टर्म निकालना है, और जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है 9x माइनस 1 अपॉन में 3 अंडर रूट एक्स के पावर जो है वो है 18,
क्या है 18। इस एक्सपेंशन में हमको क्या निकालना है, 13th टर्म निकालना है। तो पहले देख लीजिए, अगर 13 टर्म निकालना है तो ये किसका फॉर्म है, a माइनस बी के पावर n, जनरल फॉर्म राइट कर लीजिए। अगर 13th टर्म निकालना है तो r इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 12 पुट करना होगा, और फिर हम लोग जैसे इधर सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग करिए इसको। तो हमने अभी क्या सीखा कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर 5th टर्म पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, 10th टर्म पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हमने सीखा। अब आते हैं कोफिशियंट पे, जब पूछे कि इसका कोफिशियंट बताओ तब कैसे करेंगे, तो देखिए पहले क्वेश्चन में है, पहला इक्वेशन है 7.2 का, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स के पावर 5 इन एक्स प्लस 3 के पावर क्या है 8। एक्स प्लस 3 के पावर 8 में हमको बताना है x के पावर 5 का क्या होगा कोफिशियंट। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म लिखते हैं, x प्लस 3 के पावर 8 के लिए जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1, ए प्लस बी के फॉर्म में है तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी के पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। चलिए n की जगह 8 है तो 8 भी लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू n की जगह पे 8 सी आर, ये क्लियर है। ए की जगह पे एक्स है तो एक्स के पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी सही है। बी की जगह पे क्या है 3 के पावर क्या हो गया, आर। समझ में आया, इतना हमने राइट कर लिया। अब यहीं पे डिसाइड करना होगा हमको कि आर इक्वल टू क्या पुट किया जाए। अब देखिए बोला है एक्स के पावर क्या होना चाहिए 5, जो वेरिएबल जो कोफिशियंट किसका बताना है, एक्स के पावर 5 का, और x हमारा यहीं पे है और इस x की पावर 5 आना चाहिए। 5 तभी आएगा जब 8 माइनस r इक्वल टू क्या होगा 5, जब 8 माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस r को इधर 5 को इधर लाएंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यही r इक्वल टू 3 इसमें पुट करना होगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले जो दिया रहेगा जिसमें कोफिशियंट फाइंड करना है वो देखना है कि a प्लस बी के पावर n का फॉर्म बनता है, a माइनस बी के पावर n का फॉर्म बनता है, उसके लिए हमने जनरल टर्म राइट किया, और जनरल टर्म में जो n की वैल्यू दी थी, a की वैल्यू था, b की वैल्यू, उसको भी रख के हमने देखा, और फिर देखा कि देखिए 8cr मतलब सही है, अभी तो कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन x के पावर बोला है कि 5 होना चाहिए, किसका कोफिशियंट बताना है x के पावर 5 का, तो ये जो x है x के पावर क्या होना चाहिए 5, 8 माइनस r की जगह पे क्या होना चाहिए 5, तो 8 माइनस r इक्वल टू क्या होगा 5, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी r की जगह पे हमको क्या पुट करना होगा 3 पुट करना होगा। तो पुट करते हैं r इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा t 3 प्लस 1, समझ में आया, और ये 8c3, और x के पावर कितना हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 3 है और 3 के पावर कितना पुट करना है 3, तो ये हो गया 8c3 का मतलब। देखिए मैंने बोला कि 8 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 तक लिखना है, 3 तक नहीं लिखना है, 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स इस तरीके समझिए 8, 7, 6 लिखना है, तो 3 बार डिक्रीजिंग में लिखेंगे 8, 7, 6, और 3 को इंक्रीजिंग में 1 × 2 × 3, 3, 2 जा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8, 7 जा 56 हो जाएगा, 8, 7 जा 56, और ये हो जाएगा x के पावर 5, 3 के पावर 3, 3, 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू क्या हो गया 27, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 56 × 27, और फिर क्या हो जाएगा x के पावर 5, तो x के पावर 5 का कोफिशियंट कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इंट्रेंस में बहुत सारे पूछे जाते हैं ना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछता है इसका कोफिशियंट बता दीजिए, इसका पांचवा टर्म बता दीजिए, इसका मिडिल टर्म बता दीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बहुत लॉन्ग नहीं कि इसका एक्सपेंशन करिए, इसका एक्सपेंशन क्या होगा ना, अगर एक्सपेंशन भी पूछ लिया तो बहुत छोटे छोटे पूछेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं पूछेंगे, जनरल फॉर्मूला पूछ लेगा, कौन सा टर्म है कोफिशियंट है, ये सब अधिक पूछता है।
अब क्या हुआ, इसमें बताना है। देखिए अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें देखना है किसके पावर n है, a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है या फिर a माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, क्लियर, a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो a माइनस बी के लिए जो जनरल फॉर्म होता है टी आर प्लस वन माइनस वन के पावर n, एन सी आर ए के पावर n माइनस आर और b के पावर क्या हो जाएगा r, यही होता है, सबको पता है। चलिए अब माइनस वन के पावर यहाँ पे n नहीं r होता है, r, तो माइनस वन के पावर r हो जाएगा, n कितना है 12, तो 12 सी आर हो जाएगा। अब a कितना है, a ही है, तो a के पावर n है 12 माइनस r कर लेंगे, और b कितना है माइनस टू बी है, टू बी लिखा जाएगा सिर्फ, तो टू बी के पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अब क्या है कि हमको a के पावर 5 और b के पावर 7 का कोफिशियंट बताना है। तो a के पावर 5 कब होगा, जब ये 12 माइनस आर इक्वल टू क्या होगा 5, जब ये 12 माइनस आर इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, तब r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 कर लो, या फिर b के पावर कितना होना चाहिए 7, तो ये b के पावर r बनेगा ना, 2 के पावर r और b के पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो b के पावर r, यानी कि r इक्वल टू भी क्या ले सकते हैं डायरेक्ट 7 ले सकते हैं, b को देख करके r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी हमको r इक्वल टू क्या पुट करना है 7 पुट करना है। तो टी 7 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा 7, और 12 सी 7 ये हो जाएगा, और a के पावर कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, और 2 b के पावर कितना हो जाएगा 7। और आप लोग इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a के पावर 5 और b के पावर 7 का क्या मिल जाएगा कोफिशियंट। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन तो कर लोगे, कोफिशियंट का भी क्वेश्चन रहा तो उस पर भी कर लोगे। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्म में बोला जाए कि ऐसा को टर्म बताइए जो x से इंडिपेंडेंट हो, y से इंडिपेंडेंट हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन लेके ही आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग कोफिशियंट पे और लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x के पावर 32 एंड x के पावर माइनस 17। x के पावर 32 का कोफिशियंट और x के पावर माइनस 17 का कोफिशियंट बताना है इन द एक्सपेंशन, ये है एक्सपेंशन x के पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x क्यूब के पावर कितना है 15। तो सबसे पहले क्या देखना है, किसका एक्सपेंशन है भाई, a प्लस बी के पावर n का है या फिर a माइनस बी के पावर n। तो ये a माइनस बी के पावर n का है, तो इसका जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 के पावर n, ये r, n नहीं r हो जाएगा, माइनस 1 के पावर r, और फिर होता है एन सी आर, एन सी आर, फिर a के पावर n माइनस r और b के पावर क्या होता है r होता है। तो चलिए n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू b की वैल्यू रखते हैं, फिर आगे निकालेंगे माइनस 1 के पावर r, n कितना है 15, 15 सी आर, ए कितना है x के पावर 4 और उसके पावर कितना हो जाएगा n, यानी कि 15 माइनस r हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये हो गया। और b कितना है, b हमारा जो है वो 1 अपॉन में x क्यूब के पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। समझ में आया इस तरीके से। अब इसको अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 के पावर r, ये 15 सी आर, इसमें सिंपल करना होगा। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a के पावर m के पावर n होता है, तो a के पावर m इंटू क्या होता है n, तो ऐसे x के पावर 4 के होल पावर 15 माइनस r है, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 4 इंटू 15 माइनस r हो जाएगा, क्लियर। अब आपको ये भी पता है कि अगर 1 अपॉन में a है तो ये a के पावर कितना हो जाएगा माइनस 1, अगर 1 अपॉन में a क्यूब है तो ये हो जाएगा a के पावर माइनस 3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा
एक्स के पावर माइनस थ्री के पावर कितना हो जाएगा आर, ये क्लियर है। माइनस वन के पावर आर 15 CR ये हो गया, और ये x के पावर 4 15 60 माइनस 4 R ये हो जाएगा, और ये x के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3 R हो जाएगा, क्लियर। अब a के पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा माइनस 1 के पावर R 15 CR। x के पावर इतना प्लस इतना करेंगे लेकिन ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और x के पावर 60 माइनस 4 R माइनस 3 R मिल के माइनस बनेगा 7 R हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, हमको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x के पावर 32 का, यानी x के पावर 32 होना चाहिए, और 32 तभी होगा जब 60 माइनस 7 R किसके इक्वल हो जाए, 32 के इक्वल हो जाए। तो क्या करना है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेट करते हैं। तो ये 60 माइनस 7 R जो है 32 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी, R इक्वल टू जो भी आ जाएगा, देखिए 32 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 7 4 28, तो यहाँ से क्या मिलेगा R इक्वल टू 4। यानी इस जनरल टर्म में यहाँ तक जो टर्म आया है वहां पे हमको R इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 4 पुट करना होगा, ठीक है। अब दूसरा है कि हमको किसका बताना है कोफिशियंट, x के पावर माइनस 17 का, तो 60 माइनस 7 R जो है माइनस 17 के क्या होगा, इक्वल होगा, और माइनस 17 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 है माइनस 7 R इक्वल टू माइनस 17, तो 60 प्लस 17 इक्वल टू 7 R, और ये 77 इक्वल टू 7 R, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो सेकंड वाले कोफिशियंट के लिए R इक्वल टू क्या पुट करना होगा 11, और फर्स्ट वाले यानी x के पावर 32 के लिए हमको R इक्वल टू कितना पुट करना होगा 4। तो आगे आप लोग कर लोगे, सिंपल है, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है तरीका वही, बस थोड़ा हम लोग को सॉल्व करके तब डिसाइड करना पड़ता है R इक्वल टू क्या पुट किया जाए, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको जो लगाइए घर पे आप लोग। क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा टर्म बताइए जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, समझ में आया, ऐसा टर्म जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और किस एक्सपेंशन का 3x² माइनस 1/2x³ है, तो a माइनस बी के फॉर्म में, तो कुछ नहीं इसका जनरल फॉर्म राइट कर लेते हैं, तो tr प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 के पावर r n cr a के पावर n माइनस r b के पावर कितना हो जाएगा r, क्लियर। चलिए अब माइनस 1 के पावर होगा r, n की जगह पे है 10 CR, और a कितना है 3x² के पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा R हो जाएगा, क्लियर। और B कितना है 1/2x³, और के पावर कितना हो जाएगा R। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना है, और बोला है ऐसे टर्म को बताइए जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र हो, फ्री हो, यानी कि x के पावर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, समझ में आया। तो ये माइनस 1 के पावर r हो जाएगा, 10 CR को रहने दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 10 माइनस r, और x² के पावर 10 माइनस r भी लिख सकते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटू इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर r लिख सकते हैं, और ये x पावर 3 है, क्या लिखेंगे 1/x के पावर 3 के पावर r लिखेंगे, तो और ये हो जाएगा x के पावर माइनस 3 के पावर r, तो x के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3 R, तो इंटू x के पावर माइनस कितना हो जाएगा 3 R हो जाएगा, क्लियर है। तो माइनस 1 के पावर r 10 CR
थ्री के पावर टेन माइनस आर है, रहने दीजिए, थ्री के पावर टेन माइनस आर इंटू वन अपॉन में टू के पावर आर कर लीजिए। क्लियर, ये सब नंबर्स हैं। तो एक्स स्क्वायर, आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि ए के पावर एम के पावर एन होता है, तो ए के पावर क्या होता है, एम इंटू एन, तो एक्स के पावर टू इंटू ये है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर टू टेन जा ट्वेंटी माइनस टू आर, और ये एक्स के पावर कितना है, माइनस थ्री आर, तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, ए के पावर एम प्लस एन, तो ये प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, थ्री आर हो जाएगा। तो माइनस वन के पावर आर टेन सी आर, थ्री के पावर टेन माइनस आर, वन अपॉन में टू के पावर आर, ये हो जाएगा, और एक्स के पावर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी माइनस फाइव आर, ट्वेंटी माइनस फाइव आर। तो हमको क्या बताना है, ऐसा टर्म जो एक्स से क्या हो, इंडिपेंडेंट, अगर एक्स से इंडिपेंडेंट होगा तो एक्स के पावर कितना आना चाहिए, जीरो, तो यानी कि 20 माइनस फाइव आर इक्वल टू आना चाहिए जीरो, तो फाइव आर इक्वल टू ट्वेंटी आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर, तो हमको आर इक्वल टू क्या पुट करना होगा, फोर पुट करना होगा, आर इक्वल टू फोर पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टर्म निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू फोर पुट करोगे तो ये एक्स के पावर जीरो हो जाएगा, आर के पावर फोर, यहाँ पे टू के पावर फोर, थ्री के पावर टेन माइनस फोर, टेन सी फोर, माइनस वन के पावर फोर हो जाएगा, तो माइनस वन के पावर फोर, समझ गए ना, आर इक्वल टू क्या पुट करना है, फोर, और टेन सी फोर हो जाएगा, टेन सी फोर, और थ्री के पावर टेन में से फोर जाएगा तो सिक्स, और वन अपॉन में टू के पावर कितना हो जाएगा, फोर, और बाकी ये तो जीरो हो जाएगा, और इसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टर्म मिल जाएगा। आप लोग इसको करेंगे तो अभी तुरंत तो आपके सामने दो क्वेश्चन लिए गए हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए एक्स इन द एक्सपेंशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के पावर ट्वेल्व एंड टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के पावर कितना है, टेन। इन दोनों में हमको ऐसा टर्म बताना है जो एक्स से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो कुछ नहीं, पहले ये देखना कि ए माइनस बी के पावर एन का बन रहा है या फिर ए प्लस बी के पावर एन का बन रहा है, तो a माइनस बी के पावर n का बनेगा तो जनरल टर्म उसका राइट करो, n दिया है, a क्या है, b क्या है, सबको राइट करो, फिर बाकी जो भी आएगा उसको सॉल्व करके तो किसका बताना है, x का इंडिपेंडेंट बताना है, तो जो भी x के पावर बनेगा उसको जीरो इक्वेट करके r की वैल्यू करके पुट करना है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, चलिए एक और बता देते हैं, जैसे इसका बता देते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स के पावर ट्वेल्व है, इसमें x का इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, ऐसा टर्म जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन माइनस वन के पावर r एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी के पावर r माइनस वन के पावर r n कितना है 12 सी आर ए है x x के पावर n कितना है 12 माइनस r और बी कितना है वन अपॉन एक्स के पावर क्या हो जाएगा आर तो माइनस वन के पावर आर ट्वेल्व सी आर एक्स के पावर ट्वेल्व माइनस आर और ये हो जाएगा एक्स के पावर माइनस आर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस वन के पावर आर ट्वेल्व सी आर एक्स के पावर ट्वेल्व माइनस आर हो जाएगा और माइनस वन के पावर आर ट्वेल्व सी आर एक्स के पावर ट्वेल्व माइनस टू आर हो जाएगा। तो बोला है ऐसा टर्म बताइए जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, तो एक्स के पावर क्या होना चाहिए जीरो, तो ये जो ट्वेल्व माइनस टू आर है इसको इक्वेट करिए जीरो से तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा सिक्स, यानी इस जनरल टर्म में हमको आर इक्वल टू कितना पुट करना होगा सिक्स, और आर इक्वल टू आप लोग सिक्स पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब हम लोग r इक्वल टू सिक्स पुट करेंगे टी सिक्स प्लस वन हो जाएगा माइनस वन के पावर सिक्स हो जाएगा और ट्वेल्व सी सिक्स हो जाएगा और x के पावर जब r इक्वल टू सिक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा x के पावर जीरो माइनस वन के पावर सिक्स इवन है तो वन ही आएगा और ट्वेल्व सी सिक्स आ जाएगा
और 12C6 का क्या हो जाएगा, 12 × 11 × 10 × 9 × 8, 1, 2, 3, 4, 5 × क्या हो जाएगा 7। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 5 = 5, 2 × 2 = ये दोनों मिलके क्या हो गए 10, कैंसिल हो गए। अब देखिए 3, 4 × मिलके कितना हो गया 12 हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। और भी कट कर लेते हैं, 3, 2 × 2 = तो ये 3, 3 × 2 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, तो 11 × 3 × 4 × क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 11 × 3 = 33 × 7 = 28, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या आ गया आंसर। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने कुछ 6.1 के भी क्वेश्चन किए, हमने 8.1 के भी क्वेश्चन किए और 8.2 के भी क्वेश्चन किए। कुछ अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, 8.1 और 8.2 के जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए और मन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।